हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो टुडेज व्लॉग इज ऑन द टॉप सेलिंग किया सेल्टोस, जो कि है किया सेल्टोस HTX IVT। IVT यानी इंटेलिजेंट वेरिएबल गियर ट्रांसमिशन। इंजन तो है 1.5 लीटर पेट्रोल ही मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp एंड 144 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसके पहले मैंने किया सेल्टोस एक्स लाइन, जो कि टॉप एंड ट्रिम है, मैट कलर में आती है, उसके ऊपर व्लॉग बनाया है। तो आपने देखा नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट करना उस व्लॉग के लिए, जो कि सबसे टॉप एंड ट्रिम है किया सेल्टोस सेगमेंट में। और ए जो है एक मीड वेरिएंट है, इसकी प्राइस भी आपको एकदम मतलब एकदम क्या कहते हैं उसको पॉकेट फ्रेंडली होने वाली है। और उसी के साथ जो प्राइस है उसको कंपेयर करते हुए इसमें आपको फीचर्स भी उतने ही मिलते हैं जो उसकी प्राइस को सूट करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं इसके कीज से। इसमें आपको इलेक्ट्रिक कीज मिलती है, दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक कीज है भी थी, लॉक एंड अनलॉक बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन एंड बूट अनलॉक बटन। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलती है। सो यहाँ पर एक फिजिकल की भी मिलती है, बहुत ही काम का फीचर है इस फिजिकल की के साथ। वो क्या है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को पूरी देखना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके पहले अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी किया प्रोडक्ट, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां पर मैंने एक शोरूम का नाम दिया है, एड्रेस दिया है एंड कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आपकी अगर कुछ भी क्वेरी है, आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, कॉल कर लेना उस नंबर पे एंड अपनी टेस्ट ड्राइव बुक कर लेना, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। कमिंग बैक टू द रिव्यू, शुरुआत करता हूँ मैं इसके फ्रंट कॉस्मेटिक से। सबसे पहले यहाँ पर न्यू रीडिजाइन किया बैजिंग मिलती है, उसके बाद बहुत सारा क्रोम एलिमेंट फ्रंट प्रोफाइल में मिलता है, कनेक्टेड DRS जो है आपको फ्रंट में मिलते हैं, हालांकि पूरी तरह से कनेक्टेड तो है नहीं, बट यहाँ पर आपके पास जो DRS है यहाँ तक जो है वो आपको कनेक्टेड मिलते हैं। नो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ऑफर ऑन दिस वेरिएंट, बट यहाँ पर आपके पास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है जो बम्पर पे प्लेस है। जो हेडलाइट है पूरी तरह से LED रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स मिलती है, LED DRS है, LED टर्न इंडिकेटर्स है एंड LED आइस क्यूब डिजाइन फोग लाइट्स आपको इसमें मिलती है। यहाँ पर ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट तक मिलता है। फ्रंट में जो है वो सिल्वर मैट कलर स्किड प्लेट मिलती है, कुछ ऐसे वही आपको सेम रियर में भी मिलने वाली है। मुझे जो पसंद आया नई फेसलिफ्ट किया सेल्टोस में, वो इसका फ्रंट लुक जो काफ़ी मतलब एग्रेसिव बनाया है। सो कमिंग टू दी साइड प्रोफाइल ऑफ दी किया सेल्टोस, यहाँ पर आपको मिलेंगे 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स विद दी ऑल फोर डिस्क ब्रेक, मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन इन दी फ्रंट विद दी कॉइल स्प्रिंग एंड टॉर्शन बीम सस्पेंशन इन दी रियर। सो यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल है 215/60/17 की है, जो किया सेल्टोस एक्स लाइन है उसमें आपको मिलेंगे 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स। बॉडी क्लैडिंग जो है वो ब्लैक मैट कलर में आपको एंटायर प्रोफाइल पे मिलेगी। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इवन साइड प्रोफाइल पे भी आपको यहाँ पर व्हाइट कलर एलिमेंट्स भी थी, ग्रे ग्लॉस कलर एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिलते हैं, जैसे हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं जो ORVM से अनफोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है वो बॉडी कलर एलिमेंट देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर LED में मिलता है प्लेस्ड। ऑल फोर क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल्स एंड यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट सेंसर एंड की स्लॉट ओनली ऑन दी ड्राइवर डोर। क्रोम एलिमेंट जो है आपको यहाँ पर मिलता है, वैसे एज सच जो साइड प्रोफाइल है ज़्यादा चेंज नहीं है, सिमिलर है विद दी प्रीवियस सेल्टोस, बिकॉज ये जो पूरी एल शेप डिजाइन है वो आपको सिमिलर लास्ट जो जनरेशन था उसमें भी मिल रही थी। तो कमिंग टू दी रियर ऑफ दी सेल्टोस, यहाँ पर सबसे पहले शार्क फिन एंटीना बॉडी कलर में मिलता है, स्पॉइलर नहीं है बट हाई माउंट टेललाइट है, रियर डिफॉगर है, रियर वाइपर है, उसके बाद यहाँ पर सेंटर में किया बैशिंग है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा प्लेसमेंट है, नंबर प्लेट प्लेसमेंट है। यहाँ पर IVT की बैशिंग मिलती है, कनेक्टेड DRS आपको रियर में मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो LED टर्न इंडिकेटर्स है, यहाँ पर LED ब्रेक लाइट्स है, यहाँ पर इसकी रिवर्स लाइट है नीचे, सेम आपको रिवर्स लाइट जो है वो बम्पर प्ले भी प्लेस्ड है सभी जो किया सेल्टोस के वेरिएंट से, उसमें यहाँ पर टोइंग हुक प्लेसमेंट है, पार्किंग सेंसर्स प्लेसमेंट, रिफ्लेक्टर्स है एंड अ ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट ऑन दी एंटायर रियर बम्पर। स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर कलर में आपको मिलती है, जैसे फ्रंट में मिलती है वैसी आपको यहाँ पर रियर में भी स्किड प्लेट मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी टेलगेट है उसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक बटन है। 433 लीटर्स की बूट स्पेस कैपेसिटी विथ हैंगिंग पार्सल ट्रे। 16 इंचिस स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर मिलता है, जिसकी टायर प्रोफाइल है 205/65R16 की, ऑफकोर्स रिम में मिलता है। स्टोरेज स्पेस यहाँ पर है, स्टोरेज स्पेस राइट साइड में भी है। बूट इल्यूमिनेशन आपको मिलता है हेलोजन में। 60:40 रियर सीट्स मिलती है, ऑल 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, रियर में 3 हेडरेस्ट, फ्रंट में 2 हेडरेस्ट मिलते हैं। और उसके बाद ए जो है
सो यहाँ पर आप एक स्लॉट देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसे कार का एम्बलम है, एरो भी बना हुआ है। सो जो मैंने कार कीज के फिजिकल की बात की थी, अगर इनकेस आपकी गाड़ी के डोर्स किसी वजह से अगर लॉक होते हैं इमरजेंसी में और गाड़ी से आप निकल नहीं पाते हो, तो आप सिंपली जो सीट से उसको डाउन करके सीधा बूट में आ जाना, और इसकी जो कीस है इसमें से जो फिजिकल मेटल की है उसको आप निकाल लेना बाहर। सो कुछ ऐसे जो मेटल की है उसको आप लेके सीधा यहाँ पर इंसर्ट कर देना एंड इसको राइट पुश कर देना। ये तो अभी फ्री हो रहा है क्योंकि अभी टेलगेट ओपन है, जब ये लॉक होगी तो ये थोड़ा सा हार्ड होगा, तो आपको एक ही बार में ऐसे पुश कर देना है जो टेलगेट है वो खुल जाएगी। सो लेट्स क्लोज दी टेलगेट एंड अभी बात करते हैं गाड़ी के सेकेंड रो में स्पेसिंग कैसी है एंड जो सीट्स है वो आपको कैसे मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दी सीट्स आर ऑल लेदर। पीछे आपके पास यहाँ पर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स आएंगे, यहाँ पर प्रॉपर सीट बेल्ट आएंगे, उसके बाद सेंटर में रियर एसी वेंट्स आएंगे, फास्ट सीट टाइप चार्जिंग पॉइंट्स आएंगे, स्टोरेज स्पेस आएगी, एयर प्यूरिफायर आएगा, इसका जो फिल्टर है इसी के अंदर प्लेस्ड है। इंटीग्रेटेड यहाँ पर मैगजीन होल्डर्स आएंगे सीट रियर में एंड यहाँ पर फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए एडजस्टेबल आपके पास जो है वो सीट बेल्ट आएंगे कुछ ऐसे। सो पैनोरामिक सनरूफ है, वन टच ओपन वन टच क्लोज आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एलईडी इंडिविजुअल इल्यूमिनेशन आपके पास आएगा दोनों तरफ, जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर है उसके लिए सेंटर में आएगा इल्यूमिनेशन, बट जो रियर पैसेंजर्स है उनके लिए यहाँ पर साइड में आएगा विथ ही सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स एंड हुक, हुक ओनली ऑन दी राइट साइड, लेफ्ट साइड में कोई भी हुक नहीं है। सो चलते हैं आगे। वैसे ये जो वेरियंट है उसमें आपको सन ब्लाइंड तक मिलते हैं कुछ ऐसे, एंड जो डोर इंटीरियर है यहाँ पर सॉफ्ट टच एलिमेंट है, जो पावर विंडोज है वन टच डाउन वन टच अप है, म्यूजिक सिस्टम स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पर है, डोर पॉकेट विद बटन होल्डर स्पेस, सेल्टोस कफ प्लेट्स मिलती है आपको चारों डोर्स में, यहाँ पर थोड़ी सी छोटी है बट जो फ्रंट डोर्स है वहाँ पर आपको कुछ बड़ी मिलेंगी कफ प्लेट्स, ये देखो बहुत ही बड़ी है। जो फ्रंट सीट्स है वेंटिलेटेड नहीं है बट यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट आपको ड्राइवर सीट में मिलता है, को ड्राइवर सीट में आपके पास सिर्फ फ्रंटल बैक एडजस्टमेंट एंड लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट। ड्राइवर डोर इंटीरियर में यहाँ पर सॉफ्ट टच एलिमेंट है, ग्रैब हैंडल डोर ओपन हैंडल यहाँ पर है, लॉक एंड लॉक नॉब, ट्विटर प्लेसमेंट, म्यूजिक सिस्टम स्पीकर प्लेसमेंट, वायर वेम एडजस्टमेंट एंड फोल्ड। सो यहाँ पर जो चारों पावर विंडोज है उसके कंट्रोल्स है और यहाँ पर जो है पावर विंडो ऑन ऑफ बटन है। इवन इस वाले वेरियंट में आपके पास जो है वो ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट आता है, वॉटर होल्डर स्पेस है, फोल्डर स्पेस है, यहाँ पर है हेडलाइट लेवलर, यहाँ पर है आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ऐसी सराउंड में कुछ ऐसे सिल्वर ग्लॉस एलिमेंट मिलता है, डिफॉगर वेंट जो साइड के लिए है, सो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको मिलता है, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है। तो गाड़ी को मैं ऑन कर देता हूँ। सो यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, सो डिजिटल TFT डिस्प्ले मिलती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जैसे राइट साइड में आपको मिलेगा टैकोमीटर, लेफ्ट साइड में है स्पीडोमीटर, यहाँ पर जो है वो ब्रेक वार्निंग है, इसमें आपके पास जो है वो फिजिकल हैंड ब्रेक आता है, पैन स्पीड थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ओके सो यहाँ पर हॉर्न प्लेसमेंट है, किया बैशिंग है, एयरबैग इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर आपके पास एडास तो नहीं है बट क्रूज कंट्रोल है, मेनू बटन है, मेनू बटन में यहाँ पर आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर आएंगे, उसके बाद सीट बेल्ट वार्निंग आएगी, ड्राइवर सीट बेल्ट वार्निंग अलग से आएगी, यहाँ पर जो है फ्यूल गेज है, राइट साइड में जो है टेम्परेचर गेज है, पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, सो यहाँ पर है पेडल शिफ्ट अप, यहाँ पर है पेडल शिफ्ट डाउन, जो हेडलाइट्स है ऑटोमेटिक है, टर्निंग कंट्रोल्स यहीं पर है, जो वाइपर्स है मैनुअल है, ऑटो लेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है, ओके बटन यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ स्क्रोलिंग्स है एंड यहाँ पर बैक बटन है, इस साइड में वॉइस कमांड बटन है, मोड बटन है, वॉल्यूम है, अप डाउन है, कॉल कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट एंड स्टार बटन मिलता है। एज सच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज जो एक्स लाइन है उसमें मैंने ऑलरेडी जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलता है, बट यहाँ पर उतना ज्यादा कुछ है नहीं, बट यहाँ पर ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स आपको मिलते हैं जिससे आपके जो विजुअल्स है नॉर्मल स्पोर्ट एंड इको में चेंज हो जाएंगे ग्रीन पर्पल एंड रेड कलर में। सेंटर में है इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, जीपीएस नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड वाईफाई, सेंटर एसी वेंट, हैजर्ड बटन, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ये जो पूरे कंट्रोल्स हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है, IVT गियर ट्रांसमिशन, व्यू बटन ओनली जो रियर व्यू है वही यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, एंड कुछ ऐसे एडाप्टिव गाइडलाइन, जैसे हम स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो हमको पता चलेगा गाड़ी हमारी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। वायरलेस चार्जर नहीं है इस वेरिएंट में, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दोनों जगह पे आपको मिलेगी, यहाँ पर 12 चार्जिंग पॉइंट मिलता है, USB पॉइंट फॉर दी एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, उसके बाद यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पॉइंट मिलता है, फास्ट चार्जिंग, यहाँ पर पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड मैनुअल शिफ्टिंग कर सकते हैं, पार्क असिस्ट जिससे आपके जो पार्किंग सेंसर्स है
फंक्शनलिटी डिसेबल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, तो दोनों हो सकता है। किया कनेक्ट आपको इसमें मिलता है एंड ऑटो डिपिंग इनर मिरर मिलता है, सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, SOS बटन वो सब आपको IRVM ही मिलता है। यहाँ पर है सनग्लास होल्डर एंड फ्रंट LED इल्यूमिनेशन कंट्रोल्स, जो सनरूफ है, सनब्लेंड है, वन टच ओपन वन टच क्लोज यही से होने वाला है। उसके बाद फिजिकल हैंड प्रिंट, डेडिकेटेड कप होल्डर्स, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, आर्मरेस्ट, पीटी, सॉफ्ट टच एलिमेंट। यहाँ पर एक फिल्टर है जो एयर प्यूरीफायर का है, इवन यहाँ से भी हवा जो है वो आती है। स्टोरेज स्पेस काफ़ी डिसेंट है। इस साइड में यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट टच एलिमेंट आपको डैशबोर्ड पर मिलता है क्या सेटोस में, एंड डिसेंट साइज आपके पास यहाँ पर कूल्ड ग्लो बॉक्स आने वाला है, सॉरी कूल्ड ग्लो बॉक्स नहीं है, नॉर्मल ग्लो बॉक्स है। और बाकी एज सच जो सेफ्टी फीचर्स है, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिलते हैं, जैसे फ्रंट एयरबैग्स है, साइड एयरबैग्स एंड कर्टन एयरबैग्स। तो ये जो है वो कर्टन एयरबैग्स है, एंड जो साइड एयरबैग्स है वो आपके यहाँ पर सीट्स में आने वाले हैं। सो 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स जो है दो आगे खुलेंगे, दो ऊपर में खुलेंगे कर्टन में, और दो जो है वो साइड में खुलेंगे। तो कुछ गाड़ियों में क्या होता है, लोग ऐसे ही गिना देते हैं यहाँ पर 10 एयरबैग है या 12 एयरबैग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स टाटा ने दिए हैं, ह्यूंडई ने दिए हैं, किया ने भी दिए हैं, किया सेल्टोस में, तो ये है कि स्टीयरिंग पे एक है, डैशबोर्ड पे दूसरा है, ए पिलर बी पिलर में खुलेगा कर्टन वाला, एंड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट में खुलेंगे साइड वाले, बस यही चीज़ है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे मैप नेविगेशन तो मिलता है, फोन प्रोजेक्शन मिलता है, बाकी जो अगर आप इसको यहाँ पर जो बटन से इसको अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ जो फीचर्स है वो आपके इन्फोटेनमेंट सिस्टम में ही आएंगे। वैसे किया कनेक्ट से बहुत सारे फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं, जो एक ऐप कनेक्टिविटी है सेल्टोस को कनेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली दिस इज़ दी टॉप सेलिंग वेरियंट ऑफ दी किया सेल्टोस HTX IVT, जिसकी अप्रोक्सीमेट प्राइस है अराउंड 18 लैक्स। बट अगर आपको एक्चुअल इसकी प्राइस जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। जब हम गाड़ी बंद करके निकलते हैं तो कुछ ऐसे एक नोट आता है, मतलब एक ट्यून बजती है। तो एंड करता हूँ इस व्लॉग को, बाय द वे आपके क्या व्यूज है किया सेल्टोस HTX IVT के ऊपर, प्लीज डू कमेंट बिलो एंड मुझे बताना जरूर कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। सो एंडिंग ऑफ दिस व्लॉग, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।